आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर 10 की घात 2 आर पाई बटा 16 का मान क्या है, यह हमें निकालना है। तो हम देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या माना, हम ये मान लेते हैं कि जो पाई बटा 16 है वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है। पाई बटा 16 को हमने ए के बराबर मान लिया। तो देखिए 10 7a मतलब क्या हो गया, 7π/16 तो हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका कोट ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा वो आप देखिए, पाई बाई 2 में से 7π/16 को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये मिलेगा हमको पाई बाई 16 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से 10 7 ये किसके इक्वल हो गया, कोट ए के इक्वल हो गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 10 6a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2a के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही 10 5a इक्वल हो जाएगा 3a के इक्वल हो जाएगा। और जो आपका 10 4a क्या बनेगा, a का मान क्या है 10 4 multiply by π/16, इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 10π/4, 10π/4 होता है 1 के बराबर। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अब हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखिए हम r की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक दे दें तो 10 स्क्वायर 3a प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 6a प्लस 10 स्क्वायर 7a के बराबर बन जाएगा। अब ये जो 10a है आपका, ये जो आपका 10a है वो आपका 10 स्क्वायर 7a के साइड क्लब हो की है। क्या अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को साथ लिख के 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे ये 10 स्क्वायर 2a और 10 स्क्वायर 6a का एक जोड़ा बन जाएगा। तो इनको दोनों को हम लिख देंगे 10 स्क्वायर 2a प्लस cot स्क्वायर 2a प्लस ये जो आपका 3a वाला जोड़ा है किसके साथ जुड़ जाएगा, ये 5a के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर 3a प्लस cot स्क्वायर 3a। और जो लास्ट है वो क्या आ गया आपका 10 स्क्वायर 4 है। 10 स्क्वायर 4a का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पाई बराबर मान लेते हैं 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a मान लेते हैं। पाई बराबर क्या मान लेते हैं हम, 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a मान लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a बटा में साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a बनेगा। साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की घात 2। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा हो गया, उसको हम घटा देंगे तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, 2 sin² a cos² a अलग से आ गया, उसको हमने घटा दिया। बटे में क्या आ जाएगा, sin² a cos² a आ जाएगा। देखिए sin² a cos² a क्या होता है, ये तो 1 होता है, 1 minus 2 sin² a cos² a बटे में sin² a cos² a। ठीक है, इसको बटा कर देते हैं तो ये हो गया आपका 1 बटा में sin² a cos² a - 2। इस बाई को हम लिख सकते हैं 4 बटा में 4 sin² a cos² a - 2। तो ये क्या बन जाएगा, 4 बटा
साइन स्क्वायर टू ए माइनस टू रूट टू। तो अब इसको हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो ये तो आप निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, टू ए मतलब जो टू एंगल है वो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो एंगल तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे फाइनल इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखिए चार को हम बाहर ले लेते हैं, वन बटा साइन स्क्वायर टू ए प्लस वन बटा टू एंगल के लिए क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर फोर ए प्लस वन बटा साइन स्क्वायर सिक्स ए, माइनस टू को तीन बार लिखेंगे तो ये माइनस सिक्स और प्लस वन। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, चार बटा में साइन स्क्वायर टू ए प्लस फोर ए क्या होता है आपका, पाई बाई फोर होता है, वन अपॉन साइन स्क्वायर फोर ए का मान हो जाएगा दो, प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर सिक्स ए माइनस का फाइव। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका साइन स्क्वायर फोर ए वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा वन बटा दो के इक्वल। तो यहाँ पर अपना क्या था, ये वन अपॉन साइन स्क्वायर फोर ए, तो वो टू के इक्वल हो गया। और ये जो साइन स्क्वायर टू है इसको हम कोस की फॉर्म में ले लेते हैं, इसको ले सकते हैं टू अपॉन वन माइनस कोस फोर ए प्लस, इस दो को बाहर ले जाएंगे, वन बटा में सॉरी वन नहीं दो बटा में वन माइनस कोस बारह ए, और इसको बाहर ले जाएंगे तो आठ आठ में से पांच गया तो ये प्लस का तीन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर पता है कि फोर ए किसके बराबर होता है, फोर ए होता है पाई बाई फोर के बराबर, ऐसे ही ट्वेल्व ए किसके इक्वल होता है, ट्वेल्व ए होता है आपका थ्री पाई बाई फोर के बराबर। तो इनका मान रखने पर हमको क्या मिलेगा, इनका अगर हम मान रखते हैं तो फोर इंटू एट प्लस थ्री बराबर 35 हमको आंसर मिलता है। हम देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है, 35 ये वाला आंसर सही है। धन्यवाद। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।